हेलो गाइड्स, आज हम बनाएंगे चिली पनीर। इसके लिए मैंने 5 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 3 शिमला मिर्च लिए हैं, और 10 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और ये आधा किलो पनीर है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, शुगर ली है, और 2 चम्मच हैं देगी मिर्च, और 1 चम्मच है रेड चिली पाउडर, और 2 चम्मच सोया सॉस, और नमक स्वाद अनुसार लेंगे आप। और इसको अब हम शुरू करेंगे। मैंने 2 कड़छी तेल डाला है जिसको अच्छे से आप साड़ लें ताकि इसकी स्मेल ना आए। ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको मैंने पहले गर्म कर लिया था। तो अब इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले प्याज डालेंगे हम। प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, तो इसको प्याज को डाल देंगे। ये प्याज को हमने हल्का गुलाबी रंग आने तक इसको करना है। इसमें हाँ जी, देखिए प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना, हमने हल्के पिंक पिंक ही रखे हैं। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे टमाटर के, जो मैंने पीस के रखे हैं टमाटर प्यूरी, अब इसको डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये देगी मिर्च, लिए मैंने 2 चम्मच। देगी मिर्च और ये 1 चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर डाला मैंने। अब जब तक टमाटर थोड़ा से सूखना, टमाटर का पानी सूख जाए उसके बाद फिर हम आगे शिमला मिर्च डालेंगे इसमें। देखिए ये अगर कोई टमाटर काट के नहीं डालना इसमें, क्योंकि कई पसंद नहीं करते टमाटर ऐसे खाना, तो टमाटर को पीस के डालेंगे और शिमला मिर्च को भी बारीक काट के डालेंगे। अब देखिए टमाटर की प्यूरी जो थोड़ी सी सूख गई है, अब ये सूख गई है, अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर टमाटर की प्यूरी होगी तो वो सारे गल जाएगी शिमला मिर्च। अब ये थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी सूख गई है, बुलबुले आ रहे हैं देखिए आप, अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाइए। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद ही नमक डालना है आपने, इससे पहले नहीं डालना, नहीं तो वो जो प्याज थे ना वो सारे गल जाएंगे, वो नज़र नहीं आएंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है इसमें, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसमें ये 2 चम्मच चीनी भी डालेंगे आप, जो शिमला मिर्च का खरवापन होता है वो इससे मीठापन आ जाता है, नहीं तो खरवा खरवा लगता है, कड़वा कड़वा लगता है। अभी इसे जब शिमला मिर्च गल जाएगी उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। इसको ढक के नहीं बनाना, ढक के बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें गल जाएंगी, इसको ऐसे खुले में ही बनाना है। अब देखिए शिमला मिर्च गलने वाली है, बस थोड़ी सी और गल जाए, थोड़ा सा घी बाहर आ जाएगा, तो इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। अब आप देखिए साइड में घी आ गया, घी साइड में आ जाए तो समझो आपका ये मसाला तैयार हो गया। ये चाहते हैं कि फ्राई करके डालना है तो आप इसमें थोड़ा सा अरारोट लगा के जो इसको फ्राई कर लीजिए तो भी, और ये सोया सॉस, ये मैंने 1 चम्मच ली है। बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा, टेस्ट भी बाजार जैसे ही आएगा। बस इसको थोड़ी देर और करेंगे, जब घी बाहर आ निकल आएगा साइडों से तो आपकी सब्ज़ी रेडी है। बस और ये 2 मिनट की बात है, सब्जी रेडी है आपकी। गाइड्स ये देखो चिली पनीर अब रेडी है, देखो साइडों में घी आ गया है, और खाना खाएं, गरम गरम चपाती बनाइए इसके साथ और खाइए। Thank you.
इधर पनीर इधर।